हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। वेस्ट कितना जनरेट होता है इंडिया में, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसी से रिलेटेड पहले हम कुछ की टर्म्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले है एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस होता क्या है? बेसिकली 6 ग्रुप हैं एंड उन नेचुरली अकरिंग मिनरल्स का ये एक ग्रुप है जिसको हम एस्बेस्टोस बोलते हैं। सिलिकेट मटेरियल से बना होता है। इसकी स्पेशियलिटी ये है, एक तो ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है बहुत अच्छा, एंड इसके अलावा फायर रेसिस्टेंट कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में, सीमेंट में। इंसुलेटर होता है तो जो हमारी घर की छतें बनती हैं, जो रूफिंग होती है उसमें, उसकी भी कंस्ट्रक्शन में इसको काफी यूज किया जाता है। कहाँ से आता है? मेनली अगर वर्ल्ड में बात करें तो रशिया, कजाकिस्तान एंड चाइना, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं, ये 3 जगहें ऐसी है जहां से ये आता है। पहले नॉर्थ अमेरिका में भी काफी ज्यादा इसकी माइनिंग की जाती थी, बट अभी वहां पे हम देख रहे हैं कि बैन कर दिया गया है। इंडिया में अगर बात करते हैं कि माइनिंग होती है एस्बेस्टोस की कि नहीं, तो इंडिया में माइनिंग तो इसकी बैन है, बट इसका यूज हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उस पर कोई भी रेगुलेशन अभी तक नहीं है, तो इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री जो हमने देखी, क्लॉथ, पेपर, सीमेंट, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, इन सब चीजों में इसको अभी भी यूज किया जाता है काफी ज्यादा। कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब इसके जो छोटे छोटे फाइबर हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर जब एंटर करते हैं तो कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फायर रिटार्डेंट भी होता है, इंसुलेटर भी होता है, एंड जो शिपिंग इंडस्ट्री है हमारी, वहां पे शिप के इंजन में इसको यूज किया जाता है, जहां से जो वाइब्रेशन होती है कांस्टेंट हमारे इंजन में से, उससे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। एक सेकंड, अच्छा तो हमने देखा कि जब ये हमारे नर्वस सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं एंड डायरेक्टली हमारे डीएनए को भी डैमेज करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि लंग कैंसर होता है इससे। एस्बेस्टोसिस की बीमारी होती है जिसमें बेसिकली हमारे लंग जो है, लंग के टिश्यू में स्कारिंग हो जाती है, तो परमानेंटली डैमेज कर देता है ये हमारे लंग्स को भी। इंडिया में माइनिंग हमने देख लिया कि बैन है, बट अभी भी यूज किया जाता है क्योंकि इम्पोर्ट करते हैं हम इसको काफी ज्यादा। 50 कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है एस्बेस्टोस को। होम इंसुलेशन में यूज किया जाता था, कॉमन था काफी ज्यादा, बट अभी 50 कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है। कॉस्टिक सोडा जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा जिसमें क्लोरीन, ब्लीच एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनाया जाता है, जो कि वाटर प्योरिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इससे इंट्रैक्शन ह्यूमंस का काफी ज्यादा है एस्बेस्टोस से। अगर देखें, अगर वाटर प्योरिफिकेशन में इसको यूज किया जा रहा है, एस्बेस्टोसिस लंग स्कारिंग करता है। मेसोथेलियोमा जो कि एग्रेसिव कैंसर, रेयर कैंसर है, जिसकी कीमोथेरेपी या फिर कोई और भी जो ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है उसका असर नहीं देखा जाता है। थिकनिंग करता है, फ्लूइड थिकनिंग या जो फ्लूइड है वो बिल्डअप होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एंड बॉडी के अंदर। इंडिया में बैन कर दिया गया था 2011 में, बट अभी भी इम्पोर्ट किया जाता है एंड यूज किया जाता है इंसुलेशन में, रूफिंग शीट्स में, ब्रेक लिनिंग्स में। कैसे डेवलप करता है ये कैंसर, यहाँ फोटो में अगर देखें तो इसका जो फाइबर है वो एंटर करता है हमारे विद ब्रीदिंग, हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को, जहाँ पे ये लंग कैंसर, ओवरियन कैंसर एंड डिफरेंट डिफरेंट मेसोथेलियोमा कैंसर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर बनाता है हमारी बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स थे एस्बेस्टोसिस से रिलेटेड एंड वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।